फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चार तरह की आम की बिना गैस की टेस्टी रेसिपीज लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा और हाँ, रेसिपी ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने बीच बीच में इसमें तीन क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वालों को आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमारी जो पहली रेसिपी है वो है मैंगो क्रीमी रोल। ये स्वादिष्ट ही नहीं, बनाने में आसान भी बहुत होता है। तो सबसे पहले हमने ये ब्रेड ली है, इसके हमने कॉर्नर्स को कट करके रख लिया था। इसको हम रोलिंग पिन से थोड़ा सा रोल कर लेते हैं, यानी कि बेल लेते हैं। इस तरीके से बेल कर इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। ऐसे ही हमने चार ब्रेड ली थी, चारों ब्रेड को रोल करके रख लिया है। एक बाउल में हमने ये ताजी मलाई ली है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसमें हम 2 स्पून शुगर पाउडर डाल देते हैं, यानी कि पिसी हुई शक्कर। इसे खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी बिल्कुल मिक्स हो गई है। इसके बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। उसके लिए हमने ये बारीक कट किए हुए बादाम, बारीक कट किए हुए पिस्ता और ये काजू के टुकड़े, ये इसमें डाल दिए हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमारे अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो गया है। अब हम एक प्लेट लेते हैं, एक ब्रेड लेते हैं और ये हमने लंबे लंबे पीसेस में मैंगो के पीसेस कट करके लिए थे, वो इसके बीच में रखते हुए ब्रेड को रोल कर लेते हैं और एक प्लेट पर रखते जाते हैं। ऐसे ही करके हम सारे मैंगो के जो रोल है वो बनाकर तैयार करते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं। ये हमने चारों रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये जो क्रीमी मिश्रण, मलाई का मिश्रण जो तैयार किया था, जिसे आप फ्रेश क्रीम से भी तैयार कर सकते हैं, वो इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छी तरीके से डाल देते हैं। ये हमने चारों तरफ से इसे डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़े से चॉप्ड बादाम को ऊपर से गार्निश कराया और चॉप्ड पिस्ताशू को गार्निश किया, यानी कि पिस्ता को गार्निश किया है और एक एक दो दो मैंगो के पीसेस लगा देते हैं और ये हमारा टेस्टी क्रीमी मैंगो रोल बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में ही स्वादिष्ट है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको सर्व करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑल ड्राई फ्रूट्स आर एडेड इन द मैंगो क्रीमी रोल। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हमने मैंगो क्रीमी रोल में ऐड किए हैं। अब हमारी सेकंड रेसिपी है मैंगो मनेको क्रंच। मैंगो मनेको क्रंच के लिए हमने सबसे पहले एक प्लेट में बिस्किट्स को सेट कर लिया है, मतलब आगे अच्छे से लगा लिया है एक एक करके। एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हमने एक छोटा बाउल आम जो हमने चॉप्ड करके रखा था वो डाल दिया है। इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। ये हमने बारीक कट किए हुए टमाटर लिए हैं, वो भी डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम चाट मसाला डाल देते हैं। हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते, बस ये चाट मसाला ही डालते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आम पहले से ही मीठे होते हैं। इसे खूब अच्छे से हमने इस मिश्रण को मिक्स कर लिया है। अब ये मनेको के बिस्किट लिए हैं और इसमें अब हम इस मिक्सचर को ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस टाइप से सारे मिक्सचर इसके ऊपर हम बिस्किट्स के ऊपर जो है वो लगा देते हैं। ये हमने मैंगो का मिक्सचर हर बिस्किट के ऊपर अच्छे से जो है वो सेट करके लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, तो हमने इसे डेकोरेट करने के लिए बीच में एक प्लेट में ही रख दिया है, ऐसे एज इट इज ही स्टफिंग। और अब हमने ये भुजिया नमकीन के सेव लिए हैं, इसको चारों तरफ इसके ऊपर बुरक देते हैं, मतलब हल्की हल्की डाल देते हैं। अगर आपके पास महीन सेव हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये मनेको मैंगो क्रंच बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। इसको एक एक करके आप खाइए और इसके आनंद उठाइए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे मैंगो क्रंच मिक्सचर में ऐड किए थे। अब हमारी तीसरी रेसिपी आती है मैंगो रबड़ी रेसिपी। तो इसके लिए हमने 2 तरह के आम लिए हैं, एक है सफ़ेदा आम और एक है दशहरी आम। ये 1/2 ग्लास दूध लिया है, इसे हमने एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब सबसे पहले हमने ये जो दशहरी आम लिए थे, इसका ये जो पल्प होता है वो हम इस दूध में निकाल लेते हैं सारा। अभी गुठलियाँ भी इसी में छोड़ देंगे, अभी हम गुठलियों को भी अच्छे से, गुठलियों पे जो भी पल्प लगा होता है वो भी इसमें दूध में ही मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे दशहरी आम का भी हमने पल्प निकाल लिया है। अब ये गुठलियों को अच्छी तरीके से इसमें ही, जैसे कि हल्का सा वॉश सा कर लेते हैं दूध से ही, ताकि इसका सारा पल्प इसी में निकल जाए। और इसको अभी गुठलियों को भी हटा देते हैं, हम छिलके गुठली हटा देते हैं।
इसके बाद ये जो हमने सफ़ेद आम लिया है इसको पहले हम अच्छी तरीके से छील लेते हैं पूरे आम को, फिर इसके पीसेस कट करते हुए, छोटे छोटे पीसेस कट करते हुए इसमें डाल देते हैं। ये सारे पीसेस ऐसी तरीके से ही हमने इसमें डाल दिए। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही रेसिपीज हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। इसके बाद इसमें हमने ये 1/4 स्पून इलायची पाउडर डाल दी है, और ये हमने रबड़ी ली है, इसमें रबड़ी डाल देते हैं एक बाउल, और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसको अब हम ठंडा ठंडा सर्व करते हैं, तो इसको ले जा के फ्रीजर में हमें रखना होता है। आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ये आपके ऑप्शनल होते हैं। अगर आप नहीं पसंद करते ड्राई फ्रूट्स तो आप रहने दे सकते हैं। इसको ले जा के फ्रीज में रख देती हूँ। अगर आपको तुरंत खानी है तो आप इसमें क्रश्ड आइस क्यूब्स डाल के भी खा सकते हैं। और ये जब ठंडी हो जाए उसके बाद इसको एक बाउल में निकालते हुए फ्राई फ्रूट से डेकोरेट करते हुए इसको सर्व करते हैं। हमारी ये आम रबड़ी की भी रेसिपी तैयार है। अब हमारी लास्ट रेसिपी आती है, जो है हमारी मैंगो सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमने ये 4 ब्रेड लिए हैं, इसके ऊपर हम ये चारों ब्रेड के ऊपर हम ये बटर लिया है, इसको स्प्रेड कर देते हैं। चारों ब्रेड पे हमने ये बटर को भी जो है अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद ये मैंगो के गोल गोल कटे हुए पीसेस लिए हैं, ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं एक एक, मतलब 2 ब्रेड के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि 2 ब्रेड से हमें इसे ढकना होता है। और ये चाट मसाला लिया है, ऊपर से हल्का सा चाट मसाला भुरक देते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। और इसके बाद ये हमने ऑलरेडी जो डाइस्ड चीज़ आती है, यानी कि कद्दूकस की हुई चीज़, मोज़रेला चीज़ बाज़ार में मिलती है आजकल, वो यूज़ किया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मोज़रेला चीज़ को भी कद्दूकस करके इस पर डाल सकते हैं। और इस दूसरी ब्रेड से इसे बंद कर लेते हैं, यानी कि इसे बंद कर दिया है। और इसको अब एक प्लेट में निकालते हुए 2 पीस में कट करते हैं सैंडविच की स्टाइल में। ये देखिए हमारी ये मैंगो सैंडविच जो है तैयार हो गई। लेकिन अभी इसमें हम एक और ट्विस्ट देने वाले हैं, उसे आप देखिए अभी। इसके बाद अब हमने क्या किया है, इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर हमने थोड़ा चॉकलेट सॉस का भी तड़का दिया है। तो हमने ऊपर से लगाई है हल्की हल्की चॉकलेट सॉस। लग रही है देखने में ही यम्मी, हमारी ये चौथी और आखिरी रेसिपी मैंगो सैंडविच की भी बनकर तैयार है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी सॉसेस हमने इस मैंगो सैंडविच में यूज़ की है। तो हमारी आज की 4 रेसिपी तैयार है, जो है मनेको मैंगो क्रंच, मैंगो क्रीमी रोल, हमारी मैंगो रबड़ी, और लास्ट है हमारी मैंगो सैंडविच। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, और क्वेश्चंस के आंसर्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए आंसर्स के विनर लेकर आई हूँ, जो मैंने पिज़्ज़ा पॉकेट में पूछे थे। पहला हमारा विनर है मॉम्स मैजिक प्लेट, और हमारी सेकेंड विनर है सोनिया हंसानी। तो हमारे आज के ये 2 विनर हैं। इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे जाके हमें कमेंट करें, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको आपके गिफ्ट वाउचर्स हम दे सकें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी, ये भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलेगा। और क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, जिसका आंसर मैं परसों यानी कि 21 जून की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।